आज हम बात करेंगे हाउ टू गेट अ जीन। हमने पढ़ा कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है ना, उसका पहला स्टेप है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना या उसको फाइंड करना। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, यानी कि जीन होता क्या है? जीन बेसिकली हमारी जेनेटिकली इंफॉर्मेशन है जो हमें हमारे पेरेंट्स से इनहेरिट होती है, और ये जीन हमारे डीएनए जो हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं ना, उसके अंदर छुपा हुआ होता है, यानी कि उसकी जो फॉर्मेशन होती है उसमें हमारे जीन्स होते हैं। और फर्दर ये डीएनए हमारे क्रोमोसोम में होता है, और क्रोमोसोम हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है। सो ये तो था कि जीन होता क्या और उसकी लोकेशन वगैरह क्या। अब हम बात करते हैं कि किस तरह हम वो जीन ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करते हैं ताकि हम डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर सकें। तो हमारी बुक के अंदर ना उसके तीन वेज डिस्क्राइब किए गए हैं। नंबर वन ये कि हम क्रोमोसोम को आइसोलेट करके उसमें से जीन निकालें। नंबर टू ये कि हम केमिकली ना लेबॉरेटरी में जाकर जीन को निकालें। एंड नंबर लास्ट ये कि हम मैसेंजर आरएनए की मदद से वापस से जीन को क्रिएट करवाएं। तो पहले हम ना बात करते हैं कि किस तरह क्रोमोसोम को आइसोलेट करके हम जीन निकाल सकते हैं। हमारे सामने ना एक क्रोमोसोम है। अगर हम इस क्रोमोसोम को थोड़ा सा जूम करें तो हम इसके अंदर ये प्रोटीन देख सकते हैं, और देखें तो इस प्रोटीन के ऊपर ना हमें ये डीएनए का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जिसको इस प्रोटीन ने कवर किया हुआ है। एक वक्त के लिए अगर हम इस प्रोटीन को निकाल देना तो हम सिर्फ और सिर्फ ये डीएनए का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर हमें पता है कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। इस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में ना जहाँ भी हमारी बॉडी को फील हो, हमारे जो सेल्स हैं उनको फील हो कि वहाँ पर जीन की कमी है या वहाँ पर कोई जीन मिसिंग है, तो क्या करेंगे, ये वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर जाकर हमारा ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगा देंगे। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, ये बेसिकली ना हमारे वो जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है ना, उसको एक्सपैंड कर देगा और उन स्ट्रैंड्स को अलग अलग कर देगा। जब ये स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे तो क्या होगा कि जो साइट जहाँ पर जीन की कमी देखने को मिल रही है या जहाँ पर हम डुप्लीकेशन चाह रहे हैं जीन की, वहाँ पर आकर एक प्राइमर अटैच हो जाएगा। प्राइमर बेसिकली ना एक शॉर्ट आरएनए टाइप होता है। उसके साथ साथ ये प्राइमर हमेशा हमारे जीन जहाँ से मिसिंग होता है ना, उसके एंड वाली स्ट्रैंड पर आके लगता है, यानी कि स्टार्टिंग पर नहीं लगता, हमेशा एंड पर आके लगेगा जहाँ भी जीन की कमी महसूस होगी। सो ये एक प्रोसेस था कि किस तरह हम क्रोमोसोम को आइसोलेट करके ना उसमें से जीन निकाल सकते हैं। नंबर टू हम बात कर लेते हैं कि केमिकली किस तरह हम जीन को निकालते हैं। केमिकली जब हम जीन को निकाल रहे होते हैं ना, बेसिकली उसमें हम बहुत स्मॉल जीन्स को फाइंड करते हैं। जो प्रोसेस केमिकली होता है ना, केमिकली प्रोसेस यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जो हम अपनी लेबॉरेटरी अपनी लैब के अंदर करवा रहे हो, यानी कि अगर एडिनिन है तो एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके अंदर केमिकल्स डालेंगे, जीन्स डालेंगे और क्या करेंगे, एडिनिन की फर्दर और डिविजन्स बना देंगे, और अपनी मर्जी से ना उस न्यूक्लियोटाइड को यानी जो कडोन क्रिएट होगा उसके ऊपर अपनी मर्जी का एंटीकडोन लगाकर एक डिफरेंट जीन क्रिएट कर लेंगे। सो इस तरह क्या होता है, इस तरह हम केमिकली ना जीन को सिंथेसाइज करवा लेते हैं। नंबर लास्ट क्या है, नंबर लास्ट बेसिकली हमारे मैसेंजर आरएनए से ना जीन की फॉर्मेशन करवाना। हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में पढ़ा कि डीएनए से क्या होता है, एमआरएनए हम बनाते हैं, यानी कि आरएनए की फॉर्मेशन करवाते हैं, और इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं। तो इस प्रोसेस में बेसिकली क्या होगा कि उस मैसेंजर आरएनए की मदद से ना हम वापस से अपना डीएनए बनाएंगे, और डीएनए हमारा होता ही जीन है, तो उधर से क्या करेंगे, हम जीन को कलेक्ट कर लेंगे। अब वो जो रिजल्ट में डीएनए बनेगा ना इस प्रोसेस से, उसको हम डीएनए नहीं बल्कि उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का नाम देते हैं, क्योंकि वो हमने जीन की फॉर्मेशन के लिए बनाया ताकि हम उधर से जीन को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकें। तो इसलिए हम उसको प्रॉपर्टी डीएनए का नाम नहीं देंगे, उसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का नाम देंगे, क्योंकि वो उसकी एक रेप्लिका होगी, ओरिजिनल डीएनए तो नहीं होगा ना, इसलिए उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं या फिर सीडीएनए भी कहते हैं। तो ये प्रोसेस थे कि किस तरह हम ना जीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस है या उसका जो स्टेप है, स्टेप नंबर वन, उसकी डिटेल आज हमने पढ़ ली है। बाकी जो उसके स्टेप्स हैं उनकी डिटेल्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये लेक्चर आप कम्प्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रिकमेंड कीजिए।